तो हे गाइस, फिर से एक नया वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पहली बार मैं आप लोगों की कमेंट के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। पहला कमेंट ये था चिकन के साथ भटूरे, और दूसरे कमेंट थे गाइस पानी पूरी। मैं दोनों ही लेके आया हूँ। सबसे पहले तो आज की चिकन और पानी पूरी को देख के बताओ गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को। 1 2 3 4 4 लेग पीस से और भी अंदर है, पूरा पतीला भर के। ये है गाइस पानी पूरी, ये है गाइस कुछ सलाद, और ये है गाइस गर्मा गर्म भटूरे। टूट रहा है, बहुत सॉफ्ट है। शक्ल देख लीजिए, ये आपके सामने है। वो भाई टूट रहा है, टूट रहा है। एक्चुअली जो पानी पूरी खाने का जो स्टाइल है ना, मैं थोड़ा सा अलग है। पानी में ला नहीं पाया, जानबूझ के नहीं लाया। एक्चुअली मैं उतना ट्रस्ट नहीं कर पाया जो बंदा पानी बनाया था। तो मैं अपने हिसाब से पानी पूरी को खाना चाहूँगा। हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जो लोग मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो, उनसे मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से देश या कौन से स्टेट से देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपकी एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक भी फ्री है, कमेंट भी फ्री है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो, लेकिन प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। तो गाइस सबसे पहला है ना, एक पानी पूरी लिया जाए और मेरे स्टाइल में। तो इसके अंदर पहले ऑलरेडी मैंने प्याज वगैरह डाल रखा है। अब गाइस ये है चिकन का ग्रेवी, और डालेंगे पानी पूरी का अंदर ऐसे, ठीक है। और फिर पहला वाइट इज्जत से, सिर्फ एक बार मेरे कहना मानकर इस तरीके से एक बार पानी पूरी खाकर देखना गाइस। अगर आपके घर में चिकन बनता हो, सबसे पहले पानी पूरी के अंदर प्याज डालिए, और उसके अंदर फिर चिकन का जो गाढ़ा वाला ग्रेवी है ना, उसको डाल दीजिए, और फिर जो पानी है हल्का सा पानी उसके अंदर डुबो लीजिए, और फिर वाइट लेकर देखिए। इसका टेस्ट सच में नेक्स्ट लेवल है। तो गाइस ऐसा है, मेरे यूट्यूब का जो गूगल एडसेंस पिन है ना, वो अभी तक आए नहीं। 11 दिन हो चुके हैं और बहुत टेंशन हो रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा भगवान से प्रे करिए, जल्द से जल्द मुझे यूट्यूब का पिन मिल जाए और मैं भी कुछ कर पाऊँ, आगे बढ़ पाऊँ, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। आप कह सकते हैं पहली बार मैंने आउटडोर से खाना लेके आया हूँ। सिर्फ आप लोगों ने कॉमेंट किया कि पानी पूरी लेके आओ और भटूरे के साथ चिकन। तो गाइज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। तो गाइज़ ये देखो कुछ कंडीशन, अब गाइज़ थोड़ा सा ट्राई करेंगे, इसको साइड में रखते हैं, थोड़ा सा ट्राई करेंगे भटूरे के साथ। आज के भटूरे बहुत सॉफ्ट है। तो गाइज़ ये रहा कुछ भटूरे। तो सबसे पहले हम ग्रेवी में डुबोएंगे ऐसे, और गाइस इज्जत से खाने का, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। ये देखिए ऐसे लेने का, और इज्जत से, बिल्कुल प्यार से। भाई जिस दोस्त ने कमेंट करके ये बताया ना कि भटूरे से कब चिकन लेके आओ, उसको थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने भटूरे का चिकन, मेरे पहला एक्सपीरियंस और टेस्ट गाइस मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट लेवल है, सच में अलग ही लेवल है। ये मुझे पता नहीं था कि भटूरे का चिकन इतना अच्छा लगता है। तो गाइस ये रहा वन मोर। आज गाइस टेस्ट में 4 चांद लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि भटूरे के साथ चिकन इतना अच्छा लगता है। ये लो गाइस, तो गाइस आप बारी है एक ठो लेग पीस की। ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, चलो इसी से ट्राई करते हैं। गाइस लेग पीस की शक्ल कैसा है, जस्टिस करके बताओ कैसा लग रहा है। ओ भाई साहब, ओ भाई धुआं निकल रहा है, बिल्कुल गर्म है।
और गाइस एक बात, पिछले वीडियो में ना मेरे से गलती हो गया था, आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व नहीं किया होगा। एक्चुअली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे सामने तीन लाइट है, एक लेफ्ट, एक राइट और मेरे सिर के ऊपर। तो ये वाला जो लाइट है ना, मैं जलाना ही भूल गया था और उस चीज़ की वजह से मुझे एडिटिंग करने पर इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। आज सारा लाइट जल रही है और मुझे लगता है मेरा फेस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस ये गाइस पोटा कर लीजिए, वैसे पोटा कर लीजिए ऑलमोस्ट सबका फेवरेट है ये रहा गाइस। लेके देखें कैसा लग रहा है। आज की जो भटूरा है ना, ये बनाने से पहले कम से कम 2 से 3 घंटा पहले मैदा को मैरिनेट करके रख दिए थे ताकि अच्छी तरह से वो मैरिनेट हो जाए और उसके बाद परफेक्ट भटूरा बने। इसीलिए भटूरे इतना सॉफ्ट बने हैं और खाने में तो लाजवाब लग रहा है। आप गाइस बारी है एक बड़ा लेग पीस का, लेकिन समस्या यही है कि तोड़ना पड़ेगा पहले। तो गाइस ये रहा किंग लेग पीस, ये देखो। तो ले ले पहला वाइट देखे। तो चलो गाइस लेते हैं पहला वाइट, धुआं निकाल रहा है गरम है। एक बात बोलना भूल गया, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछले वीडियो में इतने अच्छे कमेंट करने के लिए आप सबका पूरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गाजे देखो, हड्डी इसमें से अलग हो चुका है, अब बचे ओनली पीसेस। तो चलो आज 11वां दिन है, डेली 2 से 3 बार चक्कर काट रहा हूँ पोस्ट ऑफिस का। हर रोज़ जाके पूछता हूँ, भैया मेरा पिन आया है क्या, मेरे पिन आया है क्या। बेचारा वो भी परेशान हो गए मेरी वजह से। लेकिन गाइस क्या करूँ, आप समझ सकते हो इतने सालों की मेहनत है। सच कहूँ तो मुझे एक पल का भी इंतज़ार बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ आई नहीं, मैं क्या करूँ। जब तक पिन नहीं आता तब तक गाइस कुछ भी नहीं हो सकता। हर यूट्यूबर का सपना होता है कि गूगल एडसेंस का पिन उसके घर पे आ जाए, वो भी ज़िंदगी में तरक्की करे। तो गाइज मेरा भी सपना है, मैं सच में बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। आज 11 दिन हो चुके हैं और डर भी लग रहा है, सच को तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा। मेरे साथ तो वो हो रहा है कि 12वीं के एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट की इंतज़ार करते हैं ना, मैं भी कुछ ऐसे ही कर रहा हूँ। इतना टेंशन में हूँ कि भाई मैं बताकर नहीं समझा सकता। एक तो पीस और लिया जाए, ये इसी के अंदर था एक्चुअली, इसमें आ नहीं रहा था ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने ग्रेवी के अंदर ही इसमें डाल दिया था। गाइस मैं जब भी चिकन लाता हूँ ना, ओनली लेग पीस लेके आता हूँ, और लेग पीस का जो भाव होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ लेग पीस लेंगे तो थोड़ा सा फालतू तो देना ही पड़ेगा। गाइस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पिछली वीडियो में ना किसी ने कमेंट करके कह रहा है कि सर मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है।
तो गाइस देखो वीडियो को ऊपर ऐसे कमेंट मत करा करो, मैं भी गरीब इंसान हूँ, अभी तक तो मैंने रुपये भी यूट्यूब से नहीं कमाया। आज की वीडियो में ना मैं थोड़ा कम बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सब लोगों को मेरी इतनी ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, इसीलिए आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा कम ही बात कर रहा हूँ। तो कैसे रहा? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रहा गाइस, जिस तरह से आप लोग मेरे सपोर्ट कर रहे हो ना गाइस, मैं जानता हूँ मैं जितने भी शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है, लेकिन फिर भी पूरे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस आगे जाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। ये गाइस चौथा भटूरा। एक्चुअली आज खाना इतना अच्छा लग रहा है कि बातें करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बहुत दिनों के बाद है ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ही अच्छा खाना खाया। अब थोड़ा सा ग्रेवी मैं ले लेता हूँ, एक पीस, एक ठो पीस भी ले लेता हूँ। आ जाओ भाई, ये रहा ग्रेवी भी, आ जाओ, शाबाश। तो लो जी डाल लिया, क्योंकि थोड़ी सी भटोरी और बच गया है, इसको तो आज मैं फिनिश करके ही रहूँगा। हाँ, रोज़ आप लोग कमेंट करके बताते हो कि आप खाना फिनिश नहीं करते, शायद परिवार के लिए, बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। गाइस ऐसी बात नहीं है, जितना मैं खा सकता हूँ उतना ही ना दिखाऊंगा। ये लो। इतने बड़े बड़े मैदे के भटूरे हैं गाइस, मैदा मेरे को नुकसान भी करते बहुत ज़्यादा, मेरे पूरे शरीर में पित्त निकाल देते हैं। मैं तो आज टैबलेट खा के आया हूँ, सबसे पहले खाना खाने से पहले टैबलेट खा लिया, वरना अगर लेट होता है ना तो पूरे शरीर में खुजली चल जाता है मैदे की वजह से। लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को निराश नहीं करना चाहता। आप लोग हो तभी ना मैं हो, तो आप लोग खुश हो तो मैं भी खुश हूँ गाइज। ये लो, ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा, ऐसे ही बोलते रहिएगा। जो चीज़ मैं बना सकता हूँ, मेरे पॉसिबल में है, वो मैं ज़रूर आप लोगों के लेके आऊँगा। क्या ना, हम लोग गांव में रहते हैं तो रेस्टोरेंट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो सब कुछ घर में बनाना पड़ता है। तो गाइस कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हम घर पे नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें उसके लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सब फिनिश कर दिया। तो हे गाइस, आज के नाइट डिनर में इनाफ है, चार भटूरे, दो लेग पीस, तीन वैसे चार वैसे चिकन का पीसेस, पांच छह से पानी पूरी, और गए सलाड, एक पूरा कटोरी भर के ग्रेवी आपके सामने मैंने फिनिश किया है। और आज मैंने ज़्यादा बातें भी नहीं किया, कम से कम बात करने की कोशिश किया है मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा ज़्यादा बात करता हूँ, इसलिए शायद कुछ लोगों को मेरी बातें उतना पसंद नहीं आ रहा है। जो भी हो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप लोगों को तो पता है मैं कभी भी फेक वीडियो नहीं बनाता, हमेशा रियल वीडियो बनाता हूँ। ये बच गया है, इसको हम स्टोर कर लेंगे, सुबह गर्म करके फिर खा लेंगे। लेकिन गाइस खाना हम कभी भी वेस्ट नहीं करते। इस वीडियो को देखने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट करने के लिए आप सबका पूरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।